सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल पीके इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज हम एक ईयरफोन रिपेयर करने वाले हैं और इसको आप घर बैठे ही रिपेयर कर सकते हैं विदाउट एनी चार्ज, मतलब कि आपको कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप घर बैठे ही रिपेयर कर सकते हैं। और ये देखिए, हमारा ये जो ईयरफोन है ये सैमसंग का ईयरफोन है जो कि हमारा वायर टूट चुका था। ठीक है, देखिए दोस्तों ये टूट चुका है। और वीडियो से पहले आपको इस जो जैक होता है 3.5 mm का जैक, इसके कलर कोड के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा कि कौन से कलर किस चीज़ के लिए बना हुआ होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको इसको इसके कलर कोड के बारे में बताऊंगा, स्पिन का जो कलर कोड होता है इसके बारे में आपको बताऊंगा। देखिए मैं इसको कट कर लिया है और इसमें से चार वायर निकला हुआ है। देखिए इस 3.5 mm का जैक है ये, इसमें से देखिए चार लाइन आ चुका है, इसमें से चार, एक दो तीन चार, ठीक है इसमें से चार है। यहाँ पर भी चार वायर निकल आया हमारे ये कट करने से। ठीक है दोस्तों, तो आपको सबसे पहले ये समझाऊंगा कि इसके कलर कोड क्या है। तो दोस्तों इसके कलर कोड है इस रेड वाला, ये हमारा माइक्रोफोन के लिए बना हुआ होता है। ये रेड वाला हमारा माइक्रोफोन के लिए बना हुआ होता है, जिसमें से हम बात करते हैं हेडफोन से, उस माइक्रोफोन के लिए बना हुआ होता है इस जैक के जरिए। ठीक है, और ये दोनों ग्रीन और ब्लू, ये दोनों हमारा लेफ्ट और राइट साइड के ऑडियो के लिए बना हुआ होता है। देखिए ये जो ब्राउन कलर का है ये हमारा कॉमन होता है, मतलब कि ग्राउंड का। ठीक है दोस्तों, तो कलर कोड के बारे में तो आपको जानकारी दे चुका हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको रिपेयर करना शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसको भी हमने ले लिया है और हम टूटा हुआ ये हिस्से को हम खोलेंगे, खोल के देखेंगे। ठीक है, खोल के इससे हम जोड़ देंगे इस पर। ठीक है, ऐसे करके जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं। तो दोस्तों देखिए इसको हमने खोल लिया है और ये वाला जो वायरिंग ये तो नहीं टूटा था, ये बिल्कुल ठीक ठाक था, देख सकते हैं आप। ये हमारा माइक है और इसमें से आप देख सकते हैं सब कुछ लिखा हुआ है, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। इस पर एम लिखा हुआ है, एम का मतलब है माइक्रोफोन। ठीक है दोस्तों, इस पर एम लिखा हुआ है माइक्रोफोन। और इस पर ये देखिए दोस्तों, ये हमारा एल मतलब लेफ्ट के ऑडियो के लिए बना हुआ है। और इस पर आप देखने की कोशिश कीजिए, जी एन डी मतलब ग्राउंड का लिखा हुआ है, जी एन डी, इस पर हम जोड़ेंगे। ये देखिए ये वाला, ये ग्राउंड का मतलब कॉमन का होता है, हमने तो आपको बता ही दिया है कॉमन का होता है। और ये वाला हो चुका है हमारा ग्राउंड का। और इसमें से आप देख सकते हैं आर लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखिए, आर लिखा हुआ है इधर, आर लिखा हुआ है मतलब ये राइट साइड के ऑडियो के लिए बना हुआ है। सबसे पहले तो हम इसको सोल्डरिंग कर लेंगे। ठीक है, सोल्डरिंग कर लेंगे इसको। देखिए दोस्तों हम कैसे सोल्डरिंग करता हूँ। तो दोस्तों देखिए हम इसको सोल्डरिंग कर लिया, ऐसे करके आपको सोल्डरिंग करना है। तो दोस्तों सभी को हम सोल्डरिंग कर देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस चारों वायर को हमने सोल्डरिंग कर ली है और अब हम इसको इस वाले से जोड़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए ये हमारा जो रेड वायर है, ध्यान से देखिए ये लाल तार रेड वायर, ये हमारा माइक्रोफोन का हो जाएगा। इसमें से देखिए दोस्तों ये एम लिखा हुआ है, तो हम इसमें इससे सोल्डरिंग कर देते हैं ऐसे करके। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सोल्डरिंग कर देंगे ऐसे करके।
तो देखिए दोस्तों, इसको हम ऐसे करके सोल्डरिंग कर लिया है। देखिए देखिए, ऐसे करके हम सोल्डरिंग कर लिया है। इसको इस बाकी को भी हम वैसे ही सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसे करके आपको बताया था वैसे ही हमने सोल्डरिंग कर ली है। आपको फिर से दिखा देती हूँ। इस वजह से देखिए, यहाँ पर एम लिखा हुआ है, मतलब माइक्रोफोन के लिए। इसलिए हमने ये लाल तार, मतलब कि रेड जो है, को हम इस एम वाले से जोड़ दिए हैं। सोल्डरिंग कर चुका हूँ मैं। और देखिए ग्राउंड का ये जो कॉपर है, इसको हमें ग्राउंड पर जोड़ लिया है। और ये दोनों लेफ्ट राइट कर दिया है। ये देखिए, ग्रीन वाला हमने लेफ्ट की तरफ और ब्लू वाला हमने राइट की तरफ दे चुका हूँ, देख सकते हैं। सो इसको हम इससे सेट कर देते हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करके तो आप एक ईयरफोन ठीक कर सकते हैं घर बैठे ही विदाउट एनी चार्ज, मतलब कि कोई पैसा खर्च करने की आपको ज़रूरत नहीं है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स, नए नए इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो पाने के लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना चाहिए। और आपको इसमें से आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका प्रॉब्लम क्या है। और आपके प्रॉब्लम के सलूशन के लिए मैं एनी टाइम रेडी हूँ इस पर वीडियो बनाने के लिए। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तभी के लिए बाय बाय।